हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्लम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग, और इसमें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए हुए थे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और उससे रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर से जो भी डिस्कशंस हो सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। इसे डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे हम लोग कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी के बाद आखिर क्या हुआ, किस तरीके से आगे की सिचुएशन और इंडिया में पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हुई है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज। दीज टेस्ट सीरीज आर बेस्ड ऑन द करेंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल, और अगर आपको जरूरत होती है तो यू कैन सब्सक्राइब इट। इसके लिए आपको ईमेल आईडी पे एक ईमेल करना रहेगा एंड बाकी के डिस्कशंस आप लोग जानते ही होंगे। अगर हम लोग देखें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, तो ये वो गुप्ता डायनेस्टी है जहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी मैप देख रखा है कि ये पूरा का पूरा जो डायनेस्टी है ये गुप्ता डायनेस्टी के अंदर में हो गया था, जहां पर पहले चंद्रगुप्त वन ने इस एरिया को कैप्चर किया था, नंबर वन को। नंबर टू एरिया एक्सपेंशन किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा, और नंबर थ्री चंद्रगुप्त टू के द्वारा शकों को भगा करके अल्टीमेटली इस इलाके पर भी अधिकार कर लिया गया था। यहां पर अगर साउथ में देखेंगे तो यहां पर कह लीजिए कि वकाटकास थे, देवर द वकाटकास, और इन वकाटकास के अलावा साउथ में और भी छोटे छोटे कह लीजिए कि डायनेस्टीज थी, लाइक पल्लव डायनेस्टी हो गई, चालुक्य डायनेस्टी हो गई, चोल, चेर, पांडी, ये सारी डायनेस्टीज थी जो साउथ इंडिया में यहां पर चल रही थी। साउथ इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कशन अब आगे की क्लासेस में रोकेंगे और हम लोग आगे बात करेंगे। पहले हम लोग अब नॉर्थ इंडिया की जितनी भी डायनेस्टीज हैं, जो कुछ भी है, सबको पहले डिस्कस करेंगे, और उसके लिए मैं ऑलरेडी अभी तुरंत आप लोगों को एक ओवरव्यू देने वाला हूं, उसी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और जब नॉर्थ इंडिया की सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी फिर हम लोग आगे आ जाएंगे साउथ इंडिया में, ताकि ये कंप्लीशन रहे, एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन द नॉर्थ इंडिया व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द साउथ इंडियन डायनेस्टीज। क्लियर हो गया? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था कि स्कंदगुप्त की अल्टीमेटली, स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्ता एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। राजा आए थे कई सारे, लेकिन वो वीक थे, लाइक बुद्धगुप्त हो गए, बालादित्य हो गए, या फिर भानुगुप्त हो गए, और लास्टली जो है विष्णुगुप्त आ जाते हैं, लेकिन वो वीक होते हैं और अल्टीमेटली गुप्ता डायनेस्टी का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। एज पार्ट ऑफ दिस डिसइंटीग्रेशन, अब जो डायनेस्टीज सामने निकल करके आती हैं वो छोटी छोटी डायनेस्टीज हो जाती हैं। जैसे अगर हम लोग इस जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में आ जाएं, तो यहां पर स्मॉल टेरिटरी में वापस से ये टूट गया था, डिसइंटीग्रेटेड था, या कह लीजिए कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो इनस्टेबल सिचुएशंस में आ गई थी। ये केवल और केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में पूरे था। इनफैक्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग ही जाएगा कि किस तरीके की इनस्टेबिलिटी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। छोटी सी एक बात आ गई कि कुछ लोगों ने मैसेज भी किया है और कुछ लोगों से बात भी हुई थी, उन लोगों ने ये कहा कि हिस्ट्री के लिए कहां तक हम रेफर कर सकते हैं। देखिए, रेफर करने के लिए मैं कहूंगा कि आप केवल स्टिक टू द वीडियोज ओनली, और जो भी पीडीएफ आपको मिल रहे हैं उसके थ्रू आप अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो भी ये प्रिपरेशन होती है मटेरियल की वो कई सारी बुक्स को कंपाइल करने के बाद हो रही है। दिस नॉट ओनली इंक्लूड्स द तमिलनाडु बुक और द एनसीईआरटी बुक और आदर्श शर्मा बुक, इट हैज अ लॉट ऑफ कवरेज, सो यू कैन रेफर टू दीज वीडियोज ओनली, और यू कैन ऑल्सो लुक फॉर अदर बुक्स। मैं स्पेशली बोलूंगा आप लोगों को नॉवेल्स में जाने की, बट स्टिल अगेन आपको एक बात को ध्यान रखना है कि हिस्ट्री आपको केवल और केवल जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ना तो इसे आप इतना ज्यादा पढ़ लीजिए कि ये ऑप्शनल में कन्वर्ट हो जाए, और ना ही आप इतना ज्यादा पढ़ लीजिए कि ये पीएचडी करने का मन कर जाए। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग अ लॉट इन द हिस्ट्री, मतलब कई सारी चीजें आपको बुक्स में भी, एनसीईआरटीज वगैरह में भी नहीं मिलेंगी, केवल और केवल कनेक्ट करने के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी हम लोग चीजें ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। हमेशा देखिए, अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन में अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखिए। लिमिटेड रखने से आपको फायदा यही होगा कि मल्टीपल रिविजन कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बुक्स लेकर के आएंगे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नॉलेज तो रहेगी ही। हिस्ट्री एक ऐसी चीज है, जितनी ज्यादा बुक पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली
हर एक राइटर की अपनी एक थिंकिंग होती है, अपने एक फैक्ट होते हैं और अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उसके बेसिस पे वो बुक लिखी जाती है। लेकिन आपको ना तो आगे जाकर के पॉलिटिक्स में जाना है कि आपको एक अच्छी खासी नॉलेज रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखनी है और अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और हमेशा ध्यान में ये रखना है, यू आर गोइंग टू गेट इनटू द कंपटीशन एंड यू हैव टू बीट दैट कंपटीशन ओनली। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। वापस आते हैं हम लोग, देखते हैं द स्मॉल टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर। यहां पर वापस से जो ट्राइबल मतलब कि छोटे छोटे जो कबीले हुआ करते थे वो वापस से फिर से डेवलप हो गए थे। इन कबीलों का अपना ऑब्वियसली एक सरदार होगा, यानी जिसको आप बोल सकते हैं कि इज द लीडर, तो लीडर हुआ करते थे। इनफैक्ट इन लीडर के बारे में जब हम लोग बाद में देखेंगे कि जब महमूद गजनवी आता है तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इनफैक्ट हम लोग इस समय एंशिएंट इंडिया के लास्ट स्टेजेस में चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में भी आ जाएगा क्यों हम लोग ये बोल रहे हैं कि लास्ट स्टेज में है। तो दिस इज महमूद गजनवी, ठीक है, दिस इज गजनवी। अब देखिए ये तो स्मॉल टेरिटरी हो गई। इस स्मॉल टेरिटरी के पास यहां पर हरियाणा के साइड में यहां पर एक नई डायनेस्टी निकल करके आ गई थी और वो थी पुष्यभूति डायनेस्टी। दिस इज पुष्यभूति डायनेस्टी। इस पुष्यभूति डायनेस्टी को आप पुष्यभूति के नाम से या फिर वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। दिस वर्धन डायनेस्टी इज व्हाट, यही है वो हर्षवर्धन की डायनेस्टी जो कि हरियाणा के इलाके में थी, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये पुष्यभूति के इलाके में है, स्थानेश्वर या फिर थानेश्वर का इलाका बोला जाता है। इसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा राजस्थान के इलाके में यहां पर पहले तो छोटे छोटे कबीले थे, छोटे छोटे कह लीजिए सरदार हुआ करते थे, ठीक है, जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर यहां पर भी सरदार हुआ करते थे। लेकिन बाद में फिर डेवलपमेंट हुई थी, बात करेंगे उस डेवलपमेंट के बारे में, आखिर में क्या डेवलपमेंट हुई। ये गुजरात का इलाका है और इस गुजरात के इलाके में एक डायनेस्टी निकल के आई थी जिसका नाम है वल्लभी। वल्लभी जगह का नाम है और यहां पर जो डायनेस्टी निकल के आई थी वो थी मैत्रक डायनेस्टी। दिस इज मैत्रक डायनेस्टी, अगेन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैत्रक डायनेस्टी एंड पुष्यभूति डायनेस्टी ये कंटेम्प्ररी डायनेस्टीज है। इसके अलावा मालवा के एरिया में, दिस इज द मालवा रीजन, इस मालवा के इलाके में जो डायनेस्टी निकल करके आई थी वो थी पहले यशोधर्मन। दिस इज यशोधर्मन डायनेस्टी। इस यशोधर्मन डायनेस्टी को फिर ओवर रूल कर दिया गया था लेटर गुप्ताज के द्वारा। दिस इज लेटर गुप्ताज। ये लेटर गुप्ता कहीं से भी गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है। दिस हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी। इसमें देवगुप्त आएंगे और भी कई लोग आएंगे, बात करेंगे इनके भी बारे में। लेटर गुप्ता के बाद इनको भी ओवर रूल कर दिया गया था मौखरीज के द्वारा। तो ये बेसिकली मौखरीज, तो ये बेसिकली कह लीजिए कि ये कुछ चार डायनेस्टीज थी, तीन चार डायनेस्टीज थी जो मालवा के रीजन में वन बाय वन करके आई। पहले यशोधर्मन डायनेस्टी, सेकंड लेटर गुप्ताज आ गए और थर्डली मौखरीज आ गई थी। इन मौखरियों को फिर वापस से रीइंपोज किया गया था गढ़वाल्स के द्वारा। तो यहां पर फिर गढ़वाल डायनेस्टी आ गई थी। दिस इज गढ़वाल डायनेस्टी। क्लियर हो गया क्या है? तो ये बेसिकली मालवा के रीजन में टहल रही थी। मालवा के ऊपर यहां पर आ जाता है बुंदेलखंड। इस बुंदेलखंड के इलाके में जो डायनेस्टी निकल करके आई थी वो थी चंदेल डायनेस्टी। लेकिन ये चंदेल डायनेस्टी काफी बाद में आई थी और ये इनफैक्ट चंदेल डायनेस्टी जो है वो गुर्जर प्रतिहार के बाद में आई थी। बात करेंगे कब आई थी ये, बस ये समझ लीजिए कि ये काफी बाद में आई थी। अगर हम लोग इस बंगाल के रीजन को देखा जाए, बंगाल के रीजन में वल्लभी के मैत्रक डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी और यशोधर्मन डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी जो डायनेस्टी थी वो थी गौड़ डायनेस्टी। दिस इज गौड़ डायनेस्टी। और यहां का जो रूलर था उसका नाम था शशांक, इसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो डायनेस्टीज थी एक्चुअली वो वल्लभी डायनेस्टी जो कि वल्लभी के मैत्रक डायनेस्टी हो गए, फिर पुष्यभूति डायनेस्टी हो गई और फिर यशोधर्मन डायनेस्टी। यशोधर्मन डायनेस्टी के बाद लेटर गुप्ताज आए और लेटर गुप्ताज और गौड़ डायनेस्टी और ये जो चार डायनेस्टी मैंने दिखाई हुई है ये सारी कंटेम्प्ररी डायनेस्टीज थी। इन डायनेस्टी के बाद अल्टीमेटली छोटी छोटी ये डायनेस्टीज थी जिनके कारण से बड़ी डायनेस्टी निकल करके सामने आई। और वो बड़ी डायनेस्टी कौन सी थी? तीन बड़ी डायनेस्टी निकल करके आती है। कलर चेंज करके बताता हूं कौन सी वो डायनेस्टीज है। यहां पर निकल के आई थी गुर्जर प्रतिहार। दिस इज गुर्जर प्रतिहार। और ये जो गुर्जर प्रतिहार थी ऑब्वियसली वो वेस्टर्न इलाके की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी।
जो कि सारी की सारी डायनेस्टी को खत्म करके अल्टीमेटली केवल और केवल खुद ही रूल करना शुरू कर दिए। सेम वैसे ही सेंट्रल साइड में आ गई थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, दिस इज राष्ट्रकूटास, और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। तो ये बेसिकली सेंट्रल पार्ट में राष्ट्रकूटास का पूरा अधिकार हो गया था। और लास्टली ईस्टर्न साइड में यहां पर आ गई थी पाल डायनेस्टी, दिस इज पाल डायनेस्टी, और अगेन ये ईस्टर्न पार्ट में पूरा का पूरा अधिकार कर लिया गया था। तो ऑब्वियसली अगर तीन स्ट्रांग डायनेस्टीज एक साथ रहेंगी तो इन तीनों के बीच में वॉर भी होगा, और इन तीनों के बीच में वॉर होता है एक पॉलिटिकल सेंटर के लिए, और उस पॉलिटिकल सेंटर का नाम रहता है कन्नौज। तो बेसिकली कन्नौज को लेकर के ये तीनों ट्राई फेज्ड रूल या फिर कह लीजिए कि थ्री साइडेड वॉर लड़ते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ में ये लड़ रहे होते हैं। इन तीनों में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है वो रहता है राष्ट्रकूटास, बट राष्ट्रकूट के इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण ये बहुत जल्दी डिक्लाइन हो जाती है, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाती है। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा लेट एरिया तक निकलता है वो रहता है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार काफी समय तक जाता है, और इस तरीके से अल्टीमेटली जब गुर्जर प्रतिहार डिसइंटीग्रेट होता है तो फिर जाकर के बुंदेलखंड की ये चंदेल डायनेस्टी निकल करके सामने आती है, गढ़वाल डायनेस्टी निकल करके सामने आती है, और एक और परमार डायनेस्टी निकल करके सामने आएगी। जब पाल डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट होती है तो उसके बाद सेन डायनेस्टी सामने निकल करके आती है। सेम वैसे ही गुजरात में एक डायनेस्टी निकल के आती है जिसका नाम है सोलंकी डायनेस्टी, जो कि अगेन चालुक्यों का एक पार्ट होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मेन डायनेस्टीज हैं, पहले तो एक इनस्टेबल पोजिशन आएगी, फिर इनस्टेबल के बाद से थ्री स्टेबल स्टेट्स आ जाएंगे, जिसमें एक गुर्जर प्रतिहार है, सेकेंड इज द पाल डायनेस्टी, एंड थर्ड वन इज द राष्ट्रकूटास। फिर इन थ्री स्टेट के बाद फिर से इनस्टेबल पोजीशन आती है, जहां पर छोटी छोटी डायनेस्टी जैसे चंदेल डायनेस्टी, गढ़वाल डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, इस तरीके से और सेन डायनेस्टी निकल करके आ जाती है। इन तीनों डायनेस्टी में अगर बात किया जाए तो देखिए उस समय तक महमूद गजनवी जो है वो इंडिया पे अटैक करने आना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट महमूद गजनवी का जो अटैक है वो कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहार के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। ऑल दो गुर्जरों ने इन अटैक को रोक दिया था, लेकिन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गुर्जर प्रतिहार महमूद गजनवी के बाद गोरी और उसके बाद से बाकी जितने भी इस्लामिक इन्वेडर्स थे वो आए और अल्टीमेटली पूरे इंडिया पर इस्लामिक स्टेट या फिर कह लीजिए दिल्ली सल्तनत का एक रूल हो गया। और उस दिल्ली सल्तनत को हम लोग बात करेंगे अपने मेडिवल हिस्ट्री में। तो आपको एक फेस चेंज सामने देखने को मिल रहा होगा। अभी हम लोग ये फेस चेंज लगातार डिस्कस करते रहेंगे। इनफैक्ट जितनी भी डायनेस्टीज हम लोगों ने देखी है इन सारी डायनेस्टीज को हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आज के डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे पहले वल्लभी के बारे में, वल्लभी के अलावा हम लोग बात करेंगे यशोधर्मन डायनेस्टी, एंड देन लेटर गुप्तास के बारे में, गौड़ डायनेस्टी के बारे में, और लास्टली हम लोग बात करेंगे वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी। इन डायनेस्टीज के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में, राष्ट्रकूटास के बारे में, और पाल डायनेस्टी के बारे में, और इन तीनों का जो आपस में वॉर हुआ था। इन वॉर के बाद फिर हम लोग इसके बाद के डिसइंटीग्रेटेड पोजीशन की जो डायनेस्टीज हैं, जैसे चंदेल डायनेस्टी, मौखरी या फिर गढ़वाल डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर अल्टीमेटली हम लोग आ जाएंगे अपने मेडिवल हिस्ट्री में। और उस मेडिवल हिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हम लोग बात कर लेंगे अपने संगम या फिर साउथ इंडिया की जो डायनेस्टीज है उनके बारे में। क्लियर हो गया? तो हिस्ट्री की एक कनेक्टिविटी आपको मेंटेन हो गई होगी। इस टाइम के लेटर गुप्ता के बाद जितनी भी डायनेस्टीज आई और जो पीरियड आया उसमें काफी ज्यादा मिसमैच था, इस वजह से आपको एक ओवरव्यू देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, और अब आपको एक कनेक्टिविटी मेंटेन हो गई होगी। वन बाय वन करके जब हम लोग डायनेस्टीज को पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेटर क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। बस कोशिश यही करनी है कि आप लगातार रिवीजन करते रहें और हमेशा बने रहें। और अगर कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां पर जाकर के ज्वाइन करके आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अब हम लोग जरा वन बाय वन करके डिस्कस करें तो सबसे पहले आती है वल्लभी की मैत्रक डायनेस्टी। इस वल्लभी की मैत्रक डायनेस्टी आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि ये जो है गुजरात के एरिया में थी। दिस वॉज द एरिया जहां पर वल्लभी का एरिया बोला जाता है।
इस पल्लवी के एरिया में अगर रूलर के बारे में बात किया जाए तो जो इनके फाउंडर हैं वो थे, उनका नाम था भट्टार्क। तो भट्टार्क थे, भट्टार्क के बाद ध्रुवसेन वन आते हैं, ध्रुवसेन वन के बाद ध्रुवसेन टू आते हैं। दिस डायनेस्टी वॉज कंटेम्प्ररी टू हरियाणा, मतलब कि यहाँ जो थानेश्वर है, दिस इज थानेश्वर जो कि हरियाणा में पड़ता है, यहां पर जो वर्धन डायनेस्टी थे या जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी उनके साथ में इनका रिलेशन मेंटेन करना था। और रिलेशन मेंटेन करने के चक्कर में ध्रुवसेन टू की शादी करवा दी जाती है हर्षवर्धन की डॉटर के साथ में, दिस इज द हर्षवर्धन। और यह हर्षवर्धन बेसिकली अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, स्थानेश्वर के पुष्यभूति डायनेस्टी के रहते हैं और इनकी डॉटर के साथ में इनकी शादी करा दी जाती है। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट और भी डिस्कशंस किए जाए तो यहां पर वल्लभी यूनिवर्सिटी है जो कि ध्रुवसेन टू के द्वारा ही स्टैब्लिश की गई थी। और इस टाइम पीरियड में चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग आया था इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ डिस्कशंस है। इसके अलावा ध्रुवसेन की फोटो आप लोग देख लीजिए, ये ध्रुवसेन की फोटो है। इस फोटो का इस्तेमाल केवल और केवल ऑब्वियसली आपके अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया गया है। इसके अलावा अभी हम लोग जब आगे डिस्कशन करेंगे तो लॉट ऑफ डिस्कशन टू बी देयर जो कि हम लोग बात करेंगे ताकि फोटो से आपको नाम तुरंत याद आ जाता है। तो ये नाम याद रखिए, दिस इज ध्रुवसेन टू, ठीक है। और इनकी शादी हर्षवर्धन के डॉटर के साथ में करवाई गई है। वल्लभी के मैत्रक डायनेस्टी के बाद जो दूसरी डायनेस्टी है वो है बंगाल की गौड़ डायनेस्टी। तो यहां पर दिस इज बंगाल का इलाका और यहां पर गौड़ डायनेस्टी है। इस गौड़ डायनेस्टी से पहले जो डायनेस्टी थी उसका नाम था दत्त डायनेस्टी, दिस इज दत्त डायनेस्टी। इस दत्त डायनेस्टी का जो वॉर था वो बेसिकली गुप्ता पीरियड के टाइम से ही चला आया था और उस समय गुप्ता रूलर थे बालादित्य। बालादित्य ने दत्त डायनेस्टी के साथ में वॉर लड़ा था और अल्टीमेटली दत्त डायनेस्टी को फिनिश कर दिया था, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि उनको हरा दिया था। इस दत्त डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है जिनका नाम है बंगाल की गौड़ डायनेस्टी, दिस इज गौड़ डायनेस्टी। और उसमें जो रूलर है उसका नाम है शशांक, दिस इज शशांक। ये काफी ज्यादा जो है कह लीजिए कि क्रूएल नेचर का रहता है और बहुत ही बुरा आदमी रहता है। इसके बुरा आदमी क्यों रहता है आप देख ही सकते हैं कि ये जो है वो गौड़ शासक है, शशांक है। इन्होंने क्या किया रहता है कि बंगाल के पास ऑब्वियसली बिहार का इलाका है और ये जो है वो शैवाइट रहते हैं, जो शशांक है वो शैवाइट है। और इन्होंने क्या किया था कि जो बोध गया में है वहां पर जो बोधि ट्री है उसको कटवा दिया था। ही वॉज अगेंस्ट एक्चुअली बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे और उन्होंने जो बोधि ट्री थी उसको पहले कटवा दिया, नंबर वन। नंबर टू, पाटलिपुत्र में एक मंदिर है वहां पर एक कह लीजिए कि पिलर थी, उस पिलर पर एक्चुअली जो बुद्ध है उनके फुटप्रिंट्स बनाए गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, इस पूरे के पूरे जो पिलर थी उस पिलर को ही गंगा नदी में फिकवा दिया। तो अगेन ये भी जो भी इसका सोर्स था वो भी खत्म हो गया, बोधि ट्री का भी सोर्स खत्म हो गया। इसके अलावा अभी भी माने नहीं थे, कुशीनगर में आए, कुशीनगर में जो बौद्ध विहार बनाए गए थे वहां से बौद्धों को भगा दिया गया मार करके। तो इस तरीके से इन्होंने क्या है कि बुद्धिज्म को कोशिश किया कि खत्म कर दिया जाए और यहां से आसपास का जो इलाका था वो बुद्धिज्म का बहुत ही ज्यादा पुअर स्टेट बन चुका था। इनफैक्ट गुप्ता पीरियड से ही हम लोग देख रहे हैं कि वैशाली का इलाका हो गया या फिर श्रावस्ती का इलाका हो गया या फिर कौशाम्बी का इलाका हो गया, ये अपने पुअर स्टेट में आ चुका था जिसे और ज्यादा पुअर कर दिया गया था शशांक के द्वारा। और ये बेसिकली बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे और शैवाइट को फॉलो करते थे। आगे अगर नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में बात करें तो अब आती है मालवा की यशोधर्मन डायनेस्टी। तो जो मालवा की यशोधर्मन डायनेस्टी है ये ऑब्वियसली मालवा के एरिया में ही है और ये काफी स्ट्रांग रूलर थे, दिस इज द मालवा का एरिया और ये काफी स्ट्रांग रूलर थे। इनफैक्ट यशोधर्मन जो थे वो और जो हुंस हैं इन्हीं दोनों ने बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी को सबसे ज्यादा परेशान किया है। और गुप्ताज में ऑब्वियसली लेटर गुप्ताज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें से एक रूलर है जिनका नाम है बालादित्य जो कि लेटर गुप्ता में आते हैं। बालादित्य के साथ यशोधर्मन की वॉर हुई थी और उसमें बालादित्य हार गए थे और इस तरीके से जो मालवा की डायनेस्टी है मालवा में ये यशोधर्मन अपना डायनेस्टी एस्टैब्लिश किए थे। इसके अलावा बंगाल के भी जो दत्त डायनेस्टी थी उनके साथ में भी यशोधर्मन की वॉर हुई थी और वहां भी इन्होंने दत्त डायनेस्टी को भी हराया था।
इस तरीके से जो मालवा डायनेस्टी है वो बेसिकली एस्टैब्लिश थी, लेकिन यशोधर्मन के बाद ये डायनेस्टी अगेन चल नहीं पाती है आगे और इस पर मौखरी डायनेस्टी का अधिकार हो जाता है। तो इस तरीके से यहां पर नेक्स्ट जो आती है वो मौखरी डायनेस्टी आ जाती है। मौखरी डायनेस्टी ऑब्वियसली यशोधर्मन की डेथ के बाद अल्टीमेटली एस्टैब्लिश होती है और यहां पर जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो हैं हरिवर्मा, इसके अलावा आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा और गृहवर्मन। इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है गृहवर्मन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये गया बेस्ड रूलर्स थे, मतलब ये गया के रहने वाले ये लोग थे, ये लोग शैवाइट थे। ऑब्वियसली जो बुद्धिज्म है वो रिप्लेस कर दिया जा रहा था एक तरीके से, आप बोल सकते हैं शैवाइट्स के द्वारा, और बुद्धिज्म को भगा दिया जा रहा था। तो इस इलाके से बेसिकली ये जो कन्नौज का इलाका है इस इलाके में ये एस्टैब्लिश कर लिए गए थे और मालवा को भी अपने अंदर में ही इंटीग्रेट कर रखे थे। इसमें जो गृहवर्मन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गृहवर्मन की फोटो है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर्षवर्धन की जो कह लीजिए कि सिस्टर रहती है, राजश्री नाम रहता है, उनकी शादी इसी गृहवर्मन के साथ में कराई जाती है। तो अगेन एक तो आप लोगों ने देख लिया डॉटर की शादी जो होती है वो मैत्रक डायनेस्टी के साथ में करवाई गई थी, ध्रुवसेन टू के साथ। इस तरीके से यहां पर हर्षवर्धन ने अपनी डॉटर की शादी की थी और सिस्टर की शादी हुई थी कन्नौज की ये मौखरी डायनेस्टी के साथ में जो गृहवर्मन थे। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब इसके बाद से हम लोग जरा आगे नेक्स्ट डायनेस्टी पे आते हैं और वो आते हैं हम लोग लेटर गुप्ताज के बारे में। तो आफ्टर दिस गृहवर्मन, जब गृहवर्मन का यहां पर शासन चल रहा था, दिस इज गृहवर्मन, यहीं पर छोटी सी एक और डायनेस्टी थी जो लेटर गुप्ता के नाम से चल रही थी, जहां पर जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त के बाद देवगुप्त बनते हैं और देवगुप्त के बाद अल्टीमेटली आदित्य सेन बनते हैं, जिसमें से देवगुप्त का जो पीरियड है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देवगुप्त शशांक, दिस इज शशांक। शशांक कौन थे? बंगाल वाला गौड़, ठीक है, ये शशांक। शशांक के साथ साथ जो हर्षवर्धन है ये सब कंटेम्प्ररी है और इनफैक्ट गृहवर्मन भी हो गया क्योंकि गृहवर्मन, ये दोनों पर रिलेटिव है ना, इसके हर्षवर्धन के सिस्टर की शादी जो है गृहवर्मन के साथ कराई गई है। तो ये बेसिकली कंटेम्प्ररी रहते हैं और इन तीनों के बीच में आपस में एक पॉलिटिक्स चलती है और इस पॉलिटिक्स को चलिए फिर फटाफट जरा स्टडी करते हैं क्या पॉलिटिक्स है। उससे पहले जरा देख लीजिए कि इसके शासन में इसके टाइम पर एक चाइनीज ट्रेवलर आया था जिसका नाम था वैंग ह्यूएनसे, ठीक है, तो ह्यूएनसे, दिस इज वैंग बोल सकते हैं, दिस इज वैंग ह्यूएनसे, ठीक है, टी है ये, मतलब आधा त है, स्वेन। तो ये बेसिकली इस चाइनीज ट्रेवलर जो है इंडिया आया था इनके टाइम पर। अब जरा आ जाते हैं वो इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर पुष्यभूति डायनेस्टी के हर्षवर्धन, साथ ही साथ में गृहवर्मन और फिर लेटर गुप्ता में देवगुप्त का पूरा टाइम चल रहा है। तो ही इज वॉट, ही इज गृहवर्मन, ये जो है वो गृहवर्मन है और ये गृहवर्मन जो है वो बेसिकली कन्नौज की डायनेस्टी है, मौखरी डायनेस्टी, दिस इज मौखरी डायनेस्टी। देखिए फोटोग्राफ से आपको बहुत तेजी से याद होगा, इसी वजह से फोटोग्राफ लगाई गई है। तो ये गृहवर्मन रहते हैं। अब ऑब्वियसली जो कह लीजिए कि लेटर गुप्ताज है, मालवा के जो लेटर गुप्ताज है वो अपने एरिया को, टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे और इनके नेबरहुड में ये मौखरी डायनेस्टी चल रही है जिसके राजा गृहवर्मन है। गृहवर्मन ऑब्वियसली स्ट्रांग है और स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि इसको अगेन हर्षवर्धन का साथ मिला हुआ है, या कह लीजिए पुष्यभूति डायनेस्टी का साथ मिला हुआ है। लेकिन देवगुप्त, तो देवगुप्त ये जो है बेसिकली वो देवगुप्त है, दिस इज देवगुप्ता। देवगुप्त जो है वो शशांक के साथ मिलता है और कहता है भाई इनको पहले रास्ते से हटाते हैं ताकि अपनी टेरिटरी स्ट्रांग हो जाए। ये भाई साहब सबसे बड़ा पॉलिटिक्स आदमी रहता है। ये क्या करता है, ठीक है चलो भाई मार देते हैं। तो इन्होंने इसका साथ दिया और अल्टीमेटली इसको मार दिया, गृहवर्मन को मार दिया और इस तरीके से देवगुप्त की जो टेरिटरी थी वो एक्सपैंड हो गई। लेकिन ये ऐसा तो है नहीं अकेला है, इसके साथ में पुष्यभूति डायनेस्टी है और सबसे इंपॉर्टेंटली ये पुष्यभूति डायनेस्टी की एक प्रिंसेस के साथ में शादी किया रहता है। इस कारण से होता क्या है कि देव, दिस इज देवगुप्त एंड दिस इज शशांक, तो इन दोनों के साथ में होता क्या है कि अब ये दोनों वॉर लड़ना है इन दोनों को, मतलब इन दोनों के जो रिलेशन है वो पुष्यभूति के साथ में काफी खराब हो जाते हैं।
तो इस कारण से होता क्या है कि जो राजश्री यानी कि जो ग्रेवर्मन का ग्रेवर्मन की जो वाइफ हो गई है और हर्षवर्धन की जो कह लीजिए सिस्टर है उसका भाई आता है, दिस इज राज्यवर्धन। तो दिस इज राज्यवर्धन। ये राज्यवर्धन जो है वो बदला लेने के लिए तुरंत निकल पड़ता है कि चलो भाई इन दोनों को पहले मारेंगे। तो रास्ते में मिलते हैं हमारे शशांक साहब, ये कहते हैं कि यार हमने नहीं मारा था, हम तो बल्कि मना कर रहे थे, फिर भी देवगुप्त ने मार दिया था। तो शशांक इस तरीके से इंटरनली पॉलिटिक्स खेल जाता है और अल्टीमेटली राज्यवर्धन जो है वो देवगुप्त को आकर के मार देता है। लेकिन फिर ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों तो इसको लगेगा, राज्यवर्धन को लगा कि ये भाई इनका सपोर्टर है, तो ये दोनों फिर जो होता है चले जाते हैं एक जगह पर और वहां पर धोखे से ये शशांक भाई साहब राज्यवर्धन को भी मार देते हैं। और अल्टीमेटली अगेन अब बचा कौन है, अब बचता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन फिर अल्टीमेटली आता है और शशांक को मार देता है। तो अभी इनके बारे में और भी डिस्कशन हम लोग करेंगे जब हम अपने पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंटरनल पॉलिटिक्स आपको एटलीस्ट एक कहानी तो पता ही चल गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा पुष्यभूति डायनेस्टी के ही बारे में, जरा वर्धन डायनेस्टी को लेकर के। तो ये वो हरियाणा का इलाका है जहां पर ये डायनेस्टी जो है वो चल रही थी। इस डायनेस्टी के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर जो रूलर थे, जो स्टार्ट किए थे वो थे पुष्यभूति, और इन्हीं के नाम पे ही डायनेस्टी का नाम पड़ गया था। पुष्यभूति के बाद नरवर्धन राजा बनते हैं और नरवर्धन के बाद में राज्यवर्धन राजा बनते हैं। राज्यवर्धन के बाद आदित्यवर्धन और आदित्यवर्धन के बाद में प्रभाकर वर्धन राजा बनते हैं। प्रभाकर वर्धन के बेसिकली तीन बच्चे रहते हैं, एक का नाम रहता है राज्यवर्धन टू, सेकेंड वन इज द हर्षवर्धन और थर्डली राज्यश्री का मतलब इनकी डॉटर रहती है। अगर तीनों के बारे में देखें तो ये है हमारे व्हाट, दिस इज प्रभाकर वर्धन। तो ये है हमारे प्रभाकर वर्धन। इस प्रभाकर वर्धन के तीन बच्चे कौन कौन से तीन बच्चे हैं, एक तो हो गया राज्यवर्धन जिसके बारे में अभी हम लोग देखे ही थे, दिस इज राज्यवर्धन। इसके अलावा हर्षवर्धन, दिस इज हर्षवर्धन। और लास्टली ये हो जाती है राजश्री। ठीक है, तो ये बेसिकली तीनों सिबलिंग्स हैं। राजश्री की शादी करवा दी जाती है मौखरी के गृहवर्मन के साथ में, तो ये बेसिकली गृहवर्मन हो गए हैं। इस गृहवर्मन के साथ में ऑब्वियसली जो इंटरनल पॉलिटिक्स हुई थी जिसमें देवगुप्त और शशांक ने इन दोनों को मार दिया था, तो ये बेसिकली पूरी की पूरी जो होती है फिगर है जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में आप देख सकते हैं क्या सीन हुई है। तो वन बाय वन करके जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सीन ये होता है कि जो राज्यवर्धन है वो राज्यवर्धन पहले निकल पड़ते हैं किसको, जो गृहवर्मन मारा है इसको बचाने के लिए। एक्चुअली सीन ये होता है, जरा वापस से सुनिए, सीन ये होता है कि जो देवगुप्त और शशांक है ये दोनों मिल करके बेसिकली गृहवर्मन को मार देते हैं। मार देते हैं तो मालवा पे कैप्चर हो जाता है। कैप्चर होने के साथ ही साथ राजश्री को ये लोग कैद कर लेते हैं। तो राजश्री को जब कैद करते हैं और ये बात राज्यवर्धन को पता चलती है तो ये तुरंत निकल पड़ता है। निकलने के बाद ये शशांक के बहकावे में आ जाता है, उसके साथ जो पॉलिटिक्स हुई है उसके तहत देवगुप्त को मार देता है और देवगुप्त के बाद अल्टीमेटली जो शशांक है वो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है, राज्यवर्धन को मार देता है। तो इस तरीके से राज्यवर्धन का भी खेल खत्म हो जाता है। जब ये बात सुनता है तो हर्षवर्धन फिर अल्टीमेटली कमांड संभालता है और हर्षवर्धन निकल पड़ता है मारने के लिए। हर्षवर्धन को रास्ते में असम के राजा भास्कर वर्मन का एक स्पाई मिलता है, या फिर कह लीजिए कि उनका एक आदमी मिलता है, और अल्टीमेटली भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन के बीच में दोस्ती हो जाती है, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। और ये दोनों बेसिकली, क्योंकि असम का रूलर अगेन बंगाल के नेबरहुड में ही है, तो ऑब्वियसली वो गौड़ शासक, जो गौड़ का रूलर है, जो शशांक है, उसको भी मारने की चाहत रखता होगा। तो इस तरीके से दो एनिमी ऑब्वियसली मिलकर के फ्रेंड बन जाते हैं। तो अब ये हर्षवर्धन आगे बढ़ता है और खोजता है अपनी सिस्टर को बचाने के लिए और शशांक को मारने के लिए। तो इस तरीके से शशांक को बेसिकली हर्षवर्धन मार देते हैं और अपनी सिस्टर राजश्री को फिर लेकर के आते हैं अपने स्टेट में। इस तरीके से हर्षवर्धन का जो एरिया है, अभी तक तो केवल और केवल कह लीजिए कि हरियाणा यानी पुष्यभूति डायनेस्टी केवल है, लेकिन अब तो मौखरी डायनेस्टी जो मालवा का है वो भी फ्री हो चुका है। तो ये क्या करता है कि अपने एरिया में अपने टेरिटरी को एक्सपैंड कर लेता है और उसके साथ में मिला लेता है। मतलब अब एरिया जो हरियाणा का है और मालवा का है ये मिल करके एक पुष्यभूति डायनेस्टी का हो गया है। इसके साथ ही साथ ये अपने मैत्रक डायनेस्टी वल्लभी के साथ में रिलेशन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वही एक डायनेस्टी जो है वो आगे जाकर के परेशान कर सकती थी क्योंकि वो नेबरहुड में आ गई थी।
तो इस कारण से इन्होंने मैत्रक डायनेस्टी के साथ अपनी डॉटर की शादी कर दी थी. तो दिस इज बेसिकली द डॉटर ऑफ हर्षवर्धन. इनकी शादी कर दी थी किसके साथ में? ध्रुव सेन टू के साथ में, जो कि मैत्रक डायनेस्टी के थे और वो भी गुजरात के यानी वल्लभी के. तो ये बेसिकली वो पूरी की पूरी पारिवारिक कहानी है जहां पर आपको ध्यान देना था. क्लियर हो गया? अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एज सच, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी हो जाता है. अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. तो आफ्टर प्रभाकर वर्धन डाइड, इनका जो बड़ा बेटा रहता है हर्षवर्धन टू, वो थानेश्वर की या फिर थानेश्वर की जो भी थ्रोन है उस पर बेसिकली असेंड होता है. हर्ष हैड अ सिस्टर दैट इज द राजश्री हु वाज मैरिड टू किंग गृहवर्मन ऑफ कन्नौज. जो शशांक था द गॉड किंग किल्ड गृहवर्मन एंड केप्ट राजश्री प्रिजनर. दिस प्रॉम्प्ट राज्यवर्धन टू फाइट अगेंस्ट शशांक, बट शशांक किल्ड राज्यवर्धन और उसके पीछे की सारी स्टोरी तो आपको पता ही है. दिस लेट द 16 ईयर ओल्ड हर्षवर्धन टू असेंड टू द थ्रोन ऑफ द थानेश्वर इन 606 एडी. तो 606 ईस्वी में इस तरीके से थानेश्वर का राजा जो है हर्षवर्धन बन जाता है, जो कि अभी केवल 16 साल का है. इनफैक्ट अगर बात करें तो हमारे एंशियंट टाइम पे 16 ईयर्स 17 ईयर्स, इस टाइम पे काफी बड़े बड़े अच्छे अच्छे वॉरियर थे. इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के भी बारे में. मोहम्मद बिन कासिम 17 ईयर्स की एज में कमांडर बना था और वो इंडिया पर अटैक किया था और इंडिया को जीता भी था. तो देख सकते हैं कि छोटे उम्र में ही काफी ज्यादा जो होता है वो टैलेंटेड हुआ करते थे, काफी ज्यादा स्ट्रांग वॉरियर्स हुआ करते थे. ही वोट टू एवेंज हिज ब्रदर्स मर्डर एंड ऑल्सो रेस्क्यूड हिज सिस्टर. फॉर दिस ही फॉर्ज एन अलायंस विद असम के राजा भास्कर वर्मन के साथ में. असम को उस समय कामरूप किंग बोला जाता था, मतलब कामरूप इलाका बोला जाता था. ऑलरेडी आप लोग ये जान रहे होंगे, हम लोग अपने पुराने लेक्चर्स में इसको देखे हुए हैं. तो भास्कर वर्मन के साथ में हर्षवर्धन जो है वो दोस्ती कर लेता है, फ्रेंडशिप कर लेता है. एंड दे मार्च्ड अगेंस्ट शशांक. अल्टीमेटली शशांक जो है बंगाल छोड़ के भाग जाता है एंड हर्ष बिकेम द किंग ऑफ कन्नौज ऑल्सो. तो इस तरीके से वो बेसिकली गृहवर्मन की डेथ हो चुकी है इसलिए अपने टेरिटरी में ही वो मिला लेता है, एक्सपैंड कर लेता है. आगे हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर ली जाए तो किंग हर्षवर्धन वॉज ऑल्सो नोन एज हर्ष. He was the son of Prabhakar Vardhan and the founder of Pushyabhuti dynasty or the Vardhan dynasty. Harshvardhan is considered as one of the most prominent Indian emperor in the 7th century AD. He built a huge empire that extended from the north and northwestern India till the Narmada in the south. His capital was Kannauj and his reform and policies were generous and were always aimed at boosting the peace and prosperity of his पीपल. इनफैक्ट इस प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए ये हर साल, मतलब एक कह लीजिए कि प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग में एक प्रयाग मतलब के इलाहाबाद का एरिया, वहां पर ये दान का काम करता था. तो वहां पर जाकर के एक तरीके से चैरिटी का काम किया जा रहा है, जहां पर हर छठवें साल में वो एक ऐसा महामोक्ष काउंसिल लगाती थी जहां पर वो अपने हर सब कुछ दान में दे देता था. मतलब इनफैक्ट अपने शरीर के जो कपड़े होते थे उसको भी दान में दे देता था और इसी कारण से हर्षवर्धन हर्ष के नाम से ज्यादा फेमस हो गया था. हालांकि हर्षवर्धन की लड़ाई साउथ में भी होती है क्योंकि अगेन टेरिटरी एक्सपैंड कर लिया है, तो टेरिटरी एक्सपैंड करने के चक्कर में थोड़ी सी लालच तो आ ही जाएगा टेरिटरी का. तो टेरिटरी का जब लालच आता है तो फिर ये साउथ की ओर में जाता है जहां पर साउथ रूलर चालुक्य किंग रहते हैं और उस समय चालुक्य का जो राजा रहता है उसका नाम रहता है पुलकेशिन टू. तो जो पुलकेशिन टू है उनके साथ में फिर हर्षवर्धन की लड़ाई होती है और अल्टीमेटली पुलकेशिन टू हर्षवर्धन को हरा देता है. हारने के बाद फिर हर्षवर्धन को यह समझ में आ जाता है कि भाई ऐसा है, नॉर्थ इंडिया में है और नॉर्थ इंडिया में ही रह पाएंगे, ज्यादा साउथ इंडिया जाने की जरूरत नहीं है. तो इस तरीके से हर्षवर्धन केवल जो है फिर नॉर्थ इंडिया पर रूल करना शुरू कर दिया था. लेकिन खैर पावर की तो सबको ही भूख रहती है, तो अल्टीमेटली यहां पर आप देख सकते हैं कि हर्षवर्धन भी कहीं ना कहीं पावर के ही ग्रीड में चला गया था. आगे बढ़ते हैं. आगे अगर देखा जाए थोड़ी सी और हर्षवर्धन के बारे में कहानी, तो हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 590 AD ऑफ द किंग प्रभाकर वर्धन ऑफ स्थानेश्वर, जो कि हरियाणा में पड़ता है. ही बिलोंग टू द पुष्यभूति डायनेस्टी एंड ऑल्सो कॉल्ड एज वर्धन डायनेस्टी. ही वॉज अ हिंदू हु लेटर एम्ब्रेस्ड महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था. He was married to Durgavati. ऐसा च नाम important नहीं है, केवल आप लोग ध्यान में रखिएगा क्या चीज है. He had a daughter and two sons. His daughter married to king of Vallabhi
कौन से क्या थे, दिस इज ध्रुवसेन। ध्रुवसेन के साथ में, ध्रुवसेन टू के साथ में शादी करवा दिया था अपने डॉटर की। वेयर एज हिज सन वर किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर्स, तो यानी कि अब इसका कोई भी बच्चा नहीं बचा है, मतलब इनफैक्ट जो डॉटर थी वो भी मैरिड टू द वल्लभी किंग, इनके जो दोनों बेटे थे वो मतलब अपने ही मिनिस्टर्स के द्वारा किल्ड हो गए थे, मतलब कि मार दिए गए थे। किंग हर्षवर्धन डीड्स वर प्रेज्ड बाय द चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर ह्वेन सांग। तो ह्वेन सांग बेसिकली इस हर्षवर्धन के ही शासनकाल में रूल में आया था। तो आप देख सकते हैं दिस इज हर्ष, हर्ष भी एच से है और ह्वेन सांग भी यहीं से है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लाइक विक्रमादित्य के टाइम पे फायान आया था, हर्षवर्धन के टाइम पर ह्वेन सांग आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ध्रुवसेन है इसके टाइम पे इत्सिंग आया हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रेवलर्स है जो आपको मैच द फॉलोइंग के नाम पे दिए जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। आगे अगर देखा जाए तो ऑन एक्वायरिंग कन्नौज हर्ष यूनाइटेड द टू किंगडम ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज, क्योंकि कन्नौज के तो जो रूलर है उनको तो जो बंगाल का गौड़ शासक था शशांक उसने मार ही दिया था। ही मूव्ड हिज कैपिटल टू कन्नौज और इनफैक्ट कन्नौज बिकेम द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द नॉर्थ इंडिया, और इसी वजह से जो बाद के डायनेस्टीज आते हैं लाइक गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटाज एंड पाल डायनेस्टी, ये तीनों के तीनों इस कन्नौज के लिए ही बेसिकली लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल सेंटर बन जाता है जस्ट लाइक पाटलिपुत्र इन द अर्लियर टाइम ऑफ मौर्य डायनेस्टी। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे देखिए, आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ताज नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉल किंगडम्स, ऑलरेडी वी हैव सीन मैत्रक डायनेस्टी, तो फिर उसके बाद से बल्लभी, फिर उसके बाद से आपका मालवा में देख रहे हैं, फिर बंगाल में देख रहे हैं, तो छोटी छोटी बहुत सारी टेरिटरीज हो गई थी। हर्ष वॉज एबल टू यूनाइट मेनी ऑफ देम, चाहे वो वॉर के थ्रू हो रहा हो या फिर मैरिज के थ्रू हो रहा हो, इसने सबके साथ में एक रिलेशन मेंटेन कर ही लिया था। ही हैड अंडर हिज कंट्रोल पंजाब सेंट्रल इंडिया एंड आफ्टर शशांक दैट ही एनेक्स्ड बंगाल बिहार एंड ओडिशा, और इस तरीके से इसकी टेरिटरी काफी बड़ी हो गई थी। नेबरहुड में अगर आप देखेंगे तो गुजरात आ रहा है, गुजरात के साथ में इनकी जो इनकी डॉटर है उसकी शादी हो रखी है, और असम की जो मतलब कामरूप का इलाका है वहां पर भास्कर वर्मन है और उनके साथ में अगेन फ्रेंडशिप रिलेशन मेंटेन करके रखा हुआ है। तो एक तरीके से हर्षवर्धन रूल्ड द नॉर्थ इंडिया इन द 7th century। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे देखिए, ही ऑल्सो डिफीटेड वल्लभी किंग इन गुजरात एंड वल्लभी किंग एंड हर्षा केम टू ए ट्रूस ऑफ मैरिज बिटवीन हर्ष डॉटर एंड वल्लभी किंग ध्रुव भट्ट। ध्रुव भट्ट बोली या ध्रुव सेन बोली एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी तो करवा देता है, हालांकि दोनों के बीच में पहले वॉर होती है, लेकिन खैर अल्टीमेटली शादी में एक ट्रीटी के माध्यम से शादी हो जाती है। हाउएवर हर्ष प्लान टू कॉन्कर लैंड टू द साउथ वर हैम्पर्ड व्हेन द चालुक्य किंग पुलकेशिन टू डिफीटेड हर्ष, और इस तरीके से हर्ष का जो सदर्न टेरिटरी की ओर में कह लीजिए कि एक चाहत थी कि वो उसको अटैक करेगा तो वो खत्म हो गया था, और इस तरीके से नर्मदा रिवर तक ही लिमिटेड हो गया, और अल्टीमेटली नर्मदा तक ही केवल और केवल इसने राज्य किया था। देयर वर टू टाइप ऑफ टेरिटरीज अंडर हर्ष, वन वॉज डायरेक्टली अंडर हिम एंड अदर टाइप वॉज दोज दैट वर फ्यूडेटरीज। तो बेसिकली सामंत वाली जो सिस्टम हुआ करती थी वो आ गई थी यहां पर, एक जगह पर तो एक खुद राज करता था, बाकी को सामंतों के हाथ में, फ्यूड्स के हाथ में दे दिया था। तो डायरेक्ट के बारे में बात किया जाए तो डायरेक्ट के अंदर में सेंट्रल प्रोविंस थी, बंगाल थी, कलिंग थी, राजपूताना और गुजरात का एरिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये वो इलाके हैं जहां पर सेंट्रल इंडिया है। सेंट्रल इंडिया में ऑब्वियस ही बात है, अगर देखेंगे तो दिस इज सपोज दिस इज मालवा, तो मालवा के बगल में बंगाल मिल जाएगा, फिर यहीं पर उड़ीसा मिल जाएगा, फिर यहीं पर गुजरात मिल जाएगा, तो इतने इलाके को तो खुद ही देख सकता है, इसमें कहां कोई दिक्कत है। लेकिन इसको नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं उसके लिए सामंत रखने पड़े, जैसे जलंधर, अब ये पंजाब में आ रहा है तो दूरी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लगातार इन्वेजन्स हो रहे थे जो वेस्टर्न टेरिटरी के लोग थे, जैसे कि हुण थे, हुण का भी अटैक हुआ था बाद में, मेडिवल टाइम जब आता है तो फिर वहां पर जो इस्लामिक कमांडर्स हैं वो बेसिकली आते हैं अटैक करते हैं, तो हमें फ्यूड्स रखने पड़ते थे वहां पर, मतलब कि चंद्र जो हर्षवर्धन है इसको फ्यूड्स रखने पड़े और पावरफुल यहां पर आर्मी रखी जाती थी। इसके अलावा कश्मीर का इलाका, कामरूप दैट इज असम का इलाका, सिंध का इलाका और नेपाल का इलाका, यहां पर ये अंडर द फ्यूडेटरीज ये रूल किया जाता था। इवन द फ्यूडेटरीज वर अंडर द टाइट कमांड ऑफ हर्ष, हर्ष रीन मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया। तो इस तरीके से हर्ष के टाइम पर सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है। इनफैक्ट
In the Gupta period, Samanta system was there, feud system was there, but the name is not mentioned. तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि feud system was there, but it is not named as a feudal system. And that is why Harshrajin marked the beginning of the feudalism. तो इस तरीके से ये भी आपके एक prelims का question बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि हर्षवर्धन के time से हमें सामंतवाद की शुरुआत देखने को मिलती है. इसके टाइम पर ये ह्वेनसांग जो है वो इंडिया आया था एंड ही हैज गिवन अ वेरी फेवरेबल अकाउंट ऑफ किंग हर्ष एंड हिज एम्पायर. ही प्रेज हिज जेनरोसिटी एंड जस्टिस. इनफैक्ट ह्वेनसांग का कई सारी टाइटल्स थी, जैसे एक तरीके से युआंग च्वांग हो गया या फिर श्वान च्वांग हो गया, यहां तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन इसमें एक इनका टाइटल था, दैट इज द शाक्य मुनि. दिस इज शाक्य मुनि, ये ध्यान में रखिएगा, ये ह्वेनसांग की ही टाइटल थी. ठीक है, आगे बात करते हैं. हर्ष वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ हिज आर्ट. ही हिमसेल्फ वॉज एन अकॉम्प्लिश्ड राइटर. इसने कई सारी राइटिंग्स की थी जो संस्कृत में लिखी थी, जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका या फिर नाग नंद. तो ये कुछ यहां पर इन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी हुई थी. बाणभट्ट वॉज हिज कोर्ट पोएट एंड ही कंपोज्ड द हर्ष चरित विच गिव्स An account of Harsh life and deeds. आगे अगर बात किया जाए तो Harsh generously supported the Nalanda University. He had a good tax structure. 1/4 of all the tax collected were used for charity and for cultural purpose. तो ये already हम लोग discuss ही कर लिए हैं कि प्रयाग में जाकर के पूरा दान कर देता था और हर छठवें साल में सब कुछ दान दे देता था. Harsh was a competent military conqueror and was able administrator. Harsh was the last king to rule over a vast empire in India before the invasions by the Muslims. So already हम लोग discuss कर ही लिए हैं कि इसके बाद में जो Islamic invaders हैं वो आना शुरू हो गए थे और ultimately दिल्ली सल्तनत बाद में establish हो जाएगी. लेकिन उससे पहले कई सारी और भी dynasties आएंगी, लेकिन कोई भी इस तरीके का single, मतलब एक rule, एक last जो है, एक single empire किसी भी king के under में नहीं रहेगा. छोटे-छोटे रहेंगे लेकिन बहुत सारे रहेंगे, कोई भी सिंगल नहीं रहेगा. आगे बात करें तो हर्ष जो है वो डाइड इन 647 AD आफ्टर रूलिंग फॉर 41 इयर्स. सिंस ही डाइड विदाउट एनी हीयर हिज एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड वेरी सून आफ्टर हिज डेथ. तो छोटे छोटे बहुत सारे ही डायनेस्टीज निकल के आ गई थी, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट और बड़ी डायनेस्टीज थी वो थी एक गुर्जर प्रतिहार. दिस इज गुर्जर प्रतिहार, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा पाल डायनेस्टी निकल के आई थी जो बंगाल में थी, और लास्टली दिस इज द गुजरात और राजस्थान का इलाका. गुजरात प्लस राजस्थान मिलाकर के ही गुर्जर बोला जाता है. क्लियर हो गया. फिर पाल डायनेस्टी दिस डेवलप्ड इन बंगाल एंड देन राष्ट्रकूटास जो हैं ये निकल करके सामने आए थे, जो कि महाराष्ट्र वाकाटक के डायनेस्टी के डिसइंटीग्रेशन पे ये बने थे. आगे अगर बात किया जाए कुछ इनसे रिलेटेड सोसाइटल कल्चर के बारे में, तो ही वॉज कन्वर्टेड टू महायान बुद्धिज्म बाई ह्वेनसांग हु रोट सी यू की. तो देखिए ये इनकी राइटिंग है किसकी, ह्वेनसांग की. तो यहां पर देख सकते हैं लाइक जस्ट फॉर मेमोरी पर्पस, याद करने के लिए केवल एक तरीके से क्या हुआ, ह्वेनसांग इंडिया आया तो इसने क्या किया, अपना एक व्लॉग बनाया. व्लॉग बनाने में उसने टाइटल दिया व्लॉग का सी यू, फिर से मिलेंगे किसको, और शी होता है ना, तो ये चाइनीज में नाम होता है शी, लाइक चाइनीज प्रेसिडेंट उनका नाम शी जिनपिंग है, तो सी यू शी. तो इस तरीके से सी यू की याद कर सकते हैं आप. क्लियर हो गया क्या चीज है. He also conducted dharma yatras like Ashoka. He himself, a scholar, wrote Nagarandan, Ratnavali and Priyadarshika. Already हम लोग ये देख लिए हैं. बाणभट्ट इस कोट रोट हर्षचरित, इसके अलावा पार्वती, परिणाम, फिर कादंबरी, कन्नौज असेंबली. तो ये बेसिकली कुछ जो है इन्होंने बाणभट्ट ने लिखे हुए हैं. हर्ष ऑर्गेनाइज्ड अ रिलीजियस असेंबली एट कन्नौज टू ऑनर द चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसांग टू प्रोपेगेट डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायान बुद्धिज्म. इसने भी अगेन जो है एक रिलीजियस असेंबली जो है कन्नौज में एस्टैब्लिश किया था. पार्टिसिपेंट्स ऑफ पीपल फ्रॉम मेनी रिलीजन इन असेंबली. ठीक है, तो हर्ष गेव अवे हिज इनॉर्मस वेल्थ एज अ गिफ्ट टू द मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजियस सेक्ट. और इस तरीके से हर्षवर्धन के टाइम की चीजें खत्म होती हैं. इनके सोसाइटी के बारे में अगर थोड़ी सी डिस्कशन की जाए तो फोर फोल्ड सिस्टम ऑफ द सोसाइटी देखने को मिलती है, जहां पर वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य. तो ये बेसिकली चीजें देखने को मिलती है. The Brahmins were the privileged section of the society and they were given land grants by the king. The position of women was not satisfactory as it was already there in the since the Gupta period. The institution of Swayamvar, matlab Swayamvar ka matlab already aap log jante honge, this is Swayamvar,
ठीक है, समटाइम्स जो है वो हिंदी वाली चीजें ज्यादा समझ में आती हैं. द चॉइस ऑफ चूजिंग ऑफ हर हस्बैंड हैड डिक्लाइंड. तो ये बेसिकली अब रिजिड सिस्टम बनना शुरू हो गया था, जहां पर अब बेसिकली जो वुमेन थी वो काइंड ऑफ ए ट्रेड सिस्टम बन गई थी, या फिर रिलेशन मेंटेन करने का एक तरीका बन गई थी. मैरिज ऑफ विडोज जो है वो परमिटेड नहीं था, एंड पर्टिकुलरली अमंग द हायर कास्ट. द सिस्टम ऑफ डावरी हैड ऑल्सो बिकम वेरी कॉमन, एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज ऑल्सो बिकेम प्रिवेलेंट. तो ये बेसिकली जैसे जौहर हो गया, सती हो गया, काफी ज्यादा एक सोशल कस्टम में आ गया था. तो ये सिचुएशन जो है लगातार खराब होती जा रही थी. ह्यून सांग मेंशन थ्री वेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड. वन इज द क्रीमेशन, सेकंड इज द वाटर बरियल, एंड नेक्स्ट डिस्पोजर एक्सपोजर इन द वुड्स. जैसे जैन में किया जाता है संथारा, तो वो बेसिकली यहां पर चीजें हो जाती हैं. द ट्रेड्स एंड कॉमर्स हैड डिक्लाइंड ड्यूरिंग हर्ष पीरियड. दिस इज एविडेंट फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड सेंटर, लेस नंबर ऑफ कॉइन्स एंड स्लो एक्टिविटी ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स. और इसी वजह से हम बहुत ज्यादा इकोनॉमी के बारे में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें सोर्सेज भी नहीं मिलते हैं और यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो खत्म भी हो गई है, डिक्लाइन कर गई है. तो ये थे बेसिकली पूरी डायनेस्टीज के बारे में. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस गुर्जर प्रतिहार एंड पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूटास के बारे में, देखते हैं कितना होता है, और उसके बाद से फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.